तुम ही ठीक करते इसमें, इन्होंने खराब क्यों करता हूं? इतना इतना इसलिए ना ठीक कर दिया, इसलिए ना इसका क्या इसे पेज कट जाने पर खराब हो जाता है। गुरु जी अब मुझ में राहुल जितनी शक्ति तो नहीं हुई, नहीं वो कर दिया घटाक। ठीक है हरे कृष्णा हरे ओम ज्ञानतिमिरामदस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय युस्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्नी गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश हर विजयकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसीदेवकै प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रद देवी सत्यवतै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति श्रीरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री 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 माधुभक्ति वेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों शरण में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथा योग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। हम लोग श्रवण कर रहे थे जैव धर्म। जैव धर्म में श्री बाबा जी महाराज कैसे हरिनाम करते 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 जब संपूर्ण हरिनाम को डूब गए, उन्होंने क्या देखा, कैसे उनको कुंज लीला भंग दर्शन किया, राधा कृष्ण कैसे विश्राम कर रहे थे, कैसे जगे, और कैसे उन्होंने श्री सन्यासी ठाकुर का सिद्ध स्वरूप को बताया, तुम कौन हो, बोले श्री रमण मंजरी, आ ये तुम्हारी निर्दिष्ट सेवा है। क्या सेवा है, जब राधा कृष्ण विश्राम करते हैं, जैसे उनको विश्राम में कोई डिस्टर्ब नहीं हो, जैसे सुख में वो विश्राम कर सकते हैं, हमने उनको नित्य सिद्ध उनको सिद्ध स्वरूप उनको बताया। इसलिए कहते शिष्य का जब उपयुक्त समय आता है, उपयुक्त समय मतलब सचमुच से जब भजन सही सही करता है, हृदय के सारे अनर्थ निवृत्ति हो जाती, रुचि निष्ठा ये सब चीज़ आ जाती हैं, समय आने पर गुरुदेव शिष्य को उसका सिद्ध स्वरूप को प्रदान करते, ये तुम्हारे सिद्ध स्वरूप है और इसी सिद्ध स्वरूप में तुम स्थित होकर के भगवान की ये तुम्हारी सेवा और तुम भजन करो। लेकिन ये अपक्व अवस्था में नहीं, संपूर्ण अनर्थ से ग्रस्त हो, संसार की वासना कामना हृदय में बैठा हुआ, लाभ पूजा प्रतिष्ठा से हृदय भरा हुआ है, अभी क्लास का ए भी नहीं सीखा, अभी श्रद्धा का सा भी नहीं है, और उसी समय उसको पूरा एकादश भाव दे दो, नहीं ये अपराध है। इसको प्रभुपाद कहते ये भाई सहजिया, ये सहजिया कहते कहाँ, ये दुर्लभ प्रेम है, जिसको ब्रह्मा शंकर उद्धव नारद भी जिस प्रेम के लिए तरसते हैं, लक्ष्मी भी अभी जहाँ पर बैठी हुई लक्ष्मी जैसी बैठी है, और एक साधारण जीव को
बास ये सेवा, ये तुम्हारी तिलक, ये तुम्हारी वस्त्र, ये तुम्हारी वैस नहीं देना चाहिए हैं। तो उन्होंने जब उन्होंने ये सब चीज को उन्होंने दे दिया है, अब जो बाबा जी महाराज जो भजन में एकदम डूबे हुए थे, अभी धीरे 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 उनको धीरे 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 उनका जो भाव भाव था, धीरे धीरे वो भाव धीरे धीरे दूर होते जा रहा है हैं। अभी वो बाह्य बाह्य ज्ञान ही नहीं था, अभी धीरे 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 उनको बाह्य ज्ञान आ रहा है। देखो इसको कहते भजन है। भजन मतलब क्या है? हरि नाम करते 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 ऐसे उसमें डूब जाए जो शरीर का बुद्ध हम खो गए। इसलिए हमने हम भक्तिवेदांत नारायण स्वामी महाराज उनको देखा है, जब वो सवेरे बैठ करके अपना गुरु मंत्र जप करते थे और हरिनाम करते थे हैं, इस समय उस समय अंदर में कोई नहीं जाते थे, क्योंकि एकदम हमारे जैसे वो भजन नहीं करते थे। थोड़ी सी माला किया, छटपट छटपट कर रहे, माला को भी खत्म हो गया, भजन में मन नहीं रहे, मन उचट सा हो रहा है, मन यहाँ भाग रहा है वहाँ भाग रहा है। इसलिए वो सिद्धि उसमें नहीं होता है। इसलिए सिद्धि तभी होती है जब पूरा हरिनाम करते करते उसमें चित्त पूरा अविष्ट हो जाए, उसमें चित्त हमारी अविष्ट हो जाए। इसलिए साधक का तीन अवस्था बताया, तद्बाह्य दशा, अर्धबाह्य दशा और ये अंतर दशा। ये साधक का तीन अवस्था है हैं। कहते जब अंतर दशा में संपूर्ण ठाकुर जी की लीला में वो प्रवेश कर जाते हैं, उनका सिद्ध स्वरूप में प्रवेश करते हुए उनका नित्य सेवा करते हैं। लेकिन जब अर्धबाह्य दशा मतलब भगवत राज्य का एक स्मृति और ये इस जड़ जगत का कुछ स्मृति, अर्धबाह्य बाह्य का आधा है। और लेकिन जब बाह्य दशा में उस समय क्या होता है, उसी समय में हर समय वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बाह्य दशा में भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, हरिनाम को करते हैं हैं। इसलिए महाप्रभु क्या बोले कि सयने की भजने की वा जागरणे अहर निशा चिंता कृष्ण प्रभावती, हर समय हरिनाम कीर्तन करनी चाहिए, सोते उठते बैठते। कहते एक चीज को अगर हम लोगों ने जीवन में धारण कर लिया, बस कल्याण मतलब भगवान की कथा छोड़ करके ऐसे नहीं दुनिया की कोई बात आए बोलने लग गए हैं नहीं। हर समय क्या करो, समय को बर्बाद नहीं करते हुए एक चीज को गांठ बांध लो, हर समय हाथों में जो कुछ करेंगे ठाकुर का सेवा करेंगे और मुंह में हर समय भगवान की नाम जप करके, बस एक इस जीवन में एक चीज को अपना लो हैं। और स्मार्टफोन फाटफोन इधर उधर की उल्टा पुल्टा हैं ये सब नहीं देखेंगे, कोई यार दोस्त उल्टा पुल्टा यार दोस्त बनाएंगे नहीं हैं, समय मिला तो हलो बिना कारण से किससे बात कर रही या नहीं, ये भक्ति का कोई लक्षण नहीं। इसको अगर कभी जिंदगी में भक्ति तुम बढ़ ही नहीं सकते भक्ति, वहीं के वहीं रह जाओ, बल्कि वहाँ से घटना धीरे धीरे घटना शुरू करो। ये मन इतने दुष्ट है ना, ये मन कभी आगे नहीं बढ़ती, ये मन को अगर थोड़ी सी छूट दे दो वो धीरे 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 नीचे जाना। हमने पतंग उड़ाया, कभी पतंग उड़ाया कौन उड़ाया? आप देखना पतंग को जब उसमें जो धागा होता है ना, अगर उसको छोड़ दिया तो बराबर सारे धागा को इतने तेजी से ले जाता है हैं छोड़ दो। ये मन भी ऐसे ही है, अगर ये मन को थोड़ी सी छुटकारा गंदी चीज में दे दो, गंदी चीज में कहीं छुटकारा दे दो, बस ये मन उसको सुजोग मिल जाता है ना, बस धीरे 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 ये मन गंदी चीज में धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है। इसलिए हर समय हमें गंदी चीज़ों से दूर रह करके हर समय हमें भगवान के नाम जप करनी चाहिए, तभी तो धीरे धीरे भक्ति में हमारी उन्नत होगा। नहीं तो अगर हमें कोई बोलेगा ये मत करो तभी करें, इसका मतलब हम भजन से कोई मतलब नहीं है ना। अगर कोई बोलेंगे गुरुदेव कोई वैष्णव बोले ये काम को क्यों कर रहे हो, किस लिए इसको काम कर रहे हो, ये भक्ति का प्रतिकूल, तब भी जा करके हम सावधान होकर करेंगे, अरे भक्ति कहाँ है। अपने आप हृदय में स्वाभाविक रूप में आनी चाहिए, नहीं हम भक्ति के बगैर भजने के बगैर कोई बात बोलेंगे नहीं, कोई बात सुनेंगे नहीं, कोई बात गंधा का हम करेंगे नहीं। इसलिए अनुकूल से संकल्पम प्रतिकूल से विवर्जनम, भक्ति का जो अनुकूल चीज उसी को ही ग्रहण करेंगे,
भक्ति का जो प्रतिकूल चीज हृदय से हम इसको हृदय से हम त्याग देंगे तभी तो भक्ति कर पाओगे, नहीं तो भक्ति कहाँ करो। कोई बोलने पर हम जाकर के हरिनाम करेंगे, हाँ आज कौन सा एकादशी है, पांडवा निर्जला एकादशी, कोशिश करनी चाहिए कम से कम 1,00,000 आज हरिनाम करें। कितना करें? 1,00,000 हरिनाम करें। क्यों? आज एकादशी का साल का सबसे बड़ा आज एकादशी, आज कोई उल्टा पुल्टा चीज़ देखे नहीं, उल्टा पुल्टा चीज़ बोले नहीं, उल्टा चीज़ गर्भ में मन नहीं लगाए, बस अपना ग्रंथ पढ़े, शास्त्र पढ़े, सेवा करे, बस समय मिलते ही बैठ करके माला 1,00,000। कितना वाला करना? 1,00,000 से नीचे नहीं, बल्कि कोशिश करनी चाहिए 1,00,000 जैसे ज़्यादा हो सके। क्यों? आज का दिन बड़ा महत्व दिन, आज का दिन है सबके सब कितना हरिनाम करेंगे? 1,00,000। रात को सोना नहीं, आज का दिन कहीं कहीं किसी मेरे को कोई फोन आया था, मेरे को कोई बोल रहा था, बोले महाराज जी आज तो निर्जला एकादशी विशेष एकादशी, आपका मठ में क्या होगा आपका? मैंने कहा भक्त लोग आएंगे, कीर्तन होगा, हरिनाम, कोई और कोई विशेष चीज होगा कि नहीं? रात भर जागरण करेंगे, रात भर जागरण करते हुए हरिनाम करेंगे रात भर। मैंने कहा भक्त लोगों से पूछना पड़ेगा कितना दुख को क्या कर सकते हैं। पहले मंदिर में आया था ना, पहले तो बहुत उत्साह रहता है, और हमारे गुरु जी के मठ में मैं इतना सेवा करता था तुम सोच नहीं सकते, हमारी सोच से बाहर। अभी का जो सेवक अगर थोड़ी सी सेवा कर, किसी अगर थोड़ी सी बोल दे सेवा करने के लिए, कहते मैं अकेला करने के लिए कोई और कोई सेवा करने वाले नहीं, इतना तक किया है। कभी कभी गिन गिन कर सेवा करते हैं, लेकिन संसार में ऐसे कोई करता है? दिन भर 8-10 घंटा जाकर काम करते हैं, और जब घर में आता ना पत्नी का गाली, इतना समय तक क्या कर रहे थे बच्चों को ट्यूशन पर जाना, घर में नमक नहीं, चावल नहीं, है आलू नहीं, मार्केट से आया अभी से 8-10 घंटा काम करके, बस पत्नी की गाली और फिर भागता है अभी लेकर के आता है। करता है कि नहीं व्यक्ति? करता है कि नहीं? क्यों? उसको अपना मानता है, यह अपना संसार है। उसी तरह भगवान की सेवा में गिण करके सेवा नहीं करनी चाहिए, अरे इसने कर दिया फिर हमें करना पड़ेगा, नहीं, गिण करके नहीं, हृदय से प्रेम से जितने हम भगवान की सेवा करेंगे हृदय से उतना ही अनर्थ दूर जाएगा। हाँ, इसलिए कामचोर नहीं बननी चाहिए, कामचोर नहीं बननी चाहिए। केवल जो जितने ठाकुर को सेवा करेगा ना, आप देखना उसका हृदय में कि जो शास्त्र ज्ञान उतना ही स्फूर्ति होगा। जो सेवा नहीं करेगा है कामचोर बनेगा ना, क्योंकि जमे वैसे वृणते तेने लभ्यत, भगवान जिसको कृपा करके देंगे वही व्यक्ति ही ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मैं भी अपना मंदिर में भी यही अनुभूति हमने देखा है, जिन जिनों ने जितने शरीर को रगड़ करके ठाकुर की सेवा में लगाए वो बाद में उतना ही चमचमाए, उतना ही चमचमाए। हमने देखा भले ही जितने लिखे पड़े क्यों नहीं हो, अगर ठाकुर को सेवा ठीक से नहीं किया सिंसियर रूप में, वो इतने लिखा पड़ा होकर के भी कुछ, लेकिन इतना लिखा पड़ा कुछ है ही नहीं। हमारे जो तीर्थ महाराज थे ना, यहाँ तो कितना क्लास, 4 क्लास पढ़े थे, और 4 क्लास पढ़े थे हैं, लेकिन मंदिर में आकर थोड़ी कहीं संस्कृत तो पढ़े, वो बाबा उनका क्या कथा, वो जब कोई विचार सिद्धार्थ को बोलते ना, हमारे महाराज भी सुन सुन करके दंग रह जाते थे, बोले इसके अंदर कुछ है। क्यों? उन्होंने पूरा रगड़ करके अपना जीवन को उन्होंने सेवा में लगाया, हाँ दिन रात उन्होंने देखा, निरूप सनातन मठ देख रहे हो ना, दिन रात उसमें परिश्रम करते हुए सवेरे जाते थे और शाम को आते थे, और कहते जूता सिलाई से लेकर चंडी पाठ तक एकदम हर चीज में, वाह हमारी ऐसी कोई सेवा नहीं है, यहाँ पर रसोई कर रहे हैं। मेरे जब मंदिर में आया देखा उसमें लकड़ी का रसोई बनता था उत्सव उत्सव से, इतना आग जल रही है, सर पर कपड़े बांध कर गांव साफी पहन लिया, शरीर से पसीना पसीना बह रहा है, उसी अवस्था में रोसी कर रहे हैं। गुरुदेव बुला दिया, शुभानंद अभी हरि कथा बोलना, बस उसी गामछा पहन करके सर में पगड़ी बांधे हुए रोसी कर रहे हैं, आ गए आकर के कथा बोलना शुरू कर देते महाराज। अरे हम लोग कोई तिथि आता था ना, हम देखते थे कुछ दिन पहले क्या बोलेंगे कैसे, उनको कुछ कोई देखना बगना नहीं, बुलाया माइक लेकर खड़े हुए धड़ाधड़ा बोलना शुरू कर, इसलिए शरीर को क्या करना, रगड़ करके भगवान की सेवा में लगाओ। जो जितने आप देखना सेवा करोगे ठाकुर जी को, ठाकुर जी उतना संतुष्ट होंगे।
उतना संतुष्ट होने पर फिर वो ज्ञान तो अपने आप स्वयं नहीं। जैसे कृष्ण की सेवा देख करके, सुदामा की सेवा देख कर तो ठाकुर जी प्रसन्न हुए ना, तभी तो उनका आशीर्वाद दिया। सेवा नहीं करेंगे तो मेवा कभी मिलेगी नहीं। जो जितना सेवा करेगा ठाकुर को, उसका हृदय में उतना स्फूर्ति होगा। इसलिए कहते यहाँ पर क्या हुआ, कहते से माधव, कहते बाल सूर्य की रक्ति में आभासी, सूरज अभी उदय हो रहा है और उनका जो रक्ति में आभास है, धीरे 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 जो प्रतिम्न कुंज के माधवी और मालती, उस समय में अपूर्व जो लता थी, सूर्य का नई नई किरण में बड़ा सुंदर शोभायमान हो रहा था। इसलिए परमहंस बाबा जी कदली के बलकल पर बैठे थे, जो जो सन्यासी बाबा जी थे हैं, परमहंस बाबा जी कहते कहाँ पर बैठे हुए थे, एक बलकल, बलकल समझते हो जैसे केले का, पहले तो अभी तो बड़ा सब हर चीज़ एडवांस हो गया, पहले जो केले का जो छिलका होता है ना, उसको सुखा करके उससे ही आसन बना देते थे, आसन बनता था, बड़े कोमल होता है, उसी आसन के ऊपर में बैठे हुए थे। और उन्होंने कहते बैठे और धीरे धीरे उन्हें आप बाह्य स्फूर्ति हो रही थी, साथ ही नाम वाला जप कर रहे थे। कहते जो परमहंस बाबा जी महाराज कहते माला जप कर रहे थे, धीरे धीरे बाह्य स्फूर्ति हो रही थी उनकी। कहते ठीक उसी समय में जो सन्यासी थे, तब उन्होंने बाबा जी के चरण में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके, उनको विनीत भाव से बैठ करके हाथ जोड़ करके बोले, हे प्रभु, ये तीन जन एक प्रश्न करना चाहता है, आप उसको उत्तर दे करके मेरे हृदय को आप संतुष्ट कर। जब बोले इतने में बाह्य ज्ञान की अग्नि से, हाँ कहते ब्रह्म ज्ञान की अग्नि से दग्ध हृदय में ब्रजरस का संसार करो, उसे शीतल करो। पहले ये मायावादी सन्यासी में थे, हाँ इसलिए होने का नाते कहते उसमें कहते जो कृष्ण गीता में कहते ना, अव्यक्तम ही गतिर दुखम, हे अर्जुन मेरा जो ये अव्यक्त रूप, अव्यक्त जो निराकार निर्विशेष भगवान का रूप नहीं, कि जो मायावादी ब्रह्मवादी लोग इसको कहते हैं, इसलिए कहते उसी में मेरा हृदय उसमें जल रहा था, उसमें कोई शांति नहीं मिल रही थी, इसलिए आप कृपा करके हृदय में ब्रज रस की धारा इसे हृदय में आप प्रवाहित करके हृदय को आप ही संतुष्ट कर सकते हो। जब बोले इतने में बाबा जी महाराज ने कहा, देखो बेटा तुम योग्य पात्र हो, तुम योग्य पात्र हो, आप जो प्रश्न करेंगे उसका मैं यथाशक्ति उत्तर दूंगा। इसलिए जो प्रश्न करेंगे उसका उत्तर दूंगा, क्योंकि वो कहे तुम योग्य शिष्य हो। क्यों, कारण क्या है, योग्य शिष्य कौन होता है, बोले जो जितने भजन में सिंसियर और गुरु जी की आदेश को उपदेश को जो जितने अच्छे तरह से पालन करता है, गुरु सेवा करता है, समझो भक्ति जगत में उतना ही वही योग्य व्यक्ति है, हैं। और गुरु जी का आदेश ही पालन नहीं करे, गुरुदेव अगर बोले भैया ये मत करो, इधर बोलेगे तो गुरु को उधर उल्टा चले, तो योग्य पात्र क्या है, योग्य अयोग्य है। हो कल सुना रहे थे ना हमारे जीत प्रभु जी, सब शिष्य का ग्रेड बता रहे थे, हैं उसको महाराज का क्लास, बहुत बढ़िया क्लास हमारे भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी, कैसे तामसी की शिष्य है, राजसी की शिष्य है, सात्विक की शिष्य है, निर्गुण शिष्य है, और इसको सब ग्रेड गुरुदेव इतनी अच्छी तरह से बताए, मतलब आप उपयुक्त तो हो, इसलिए उपयुक्त तो होने का नास्ते यथाशक्ति उत्तर दूंगा। देखो यहीं से प्रश्न उत्तर शुरू होता है, इसलिए तुम लोग यहीं से याद करना, जो प्रश्न उत्तर हमारे कृष्णदास प्रभु और हमारे श्री परमेश्वरी प्रभु ने इसका सब उन्होंने प्रश्न और उत्तर बनाए, प्रश्न और उत्तर बनाएगा। इसलिए यहाँ पर हम भी हम कृष्णदास प्रभु से बोलना, जो जैव धर्म का जो प्रश्न उत्तर आपने बनाया था उसका आप थोड़ा भेज दें, हैं, वो जैव धर्म अगर इसका प्रश्न उत्तर समझ गए ना हमारे श्री भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज, जब इनको कोई प्रश्न करता था, प्रश्न जैसे हम कोई अगर कोई डिफिकल्टी प्रश्न कर दिया, हम अगर हमारे दिमाग चकरा जाते हैं, इसको उत्तर किया देंगे, इसको उत्तर सोचने लग जाते हैं, लेकिन हम महाराज का जीवन में देखा कोई भी उनको कोई प्रश्न करते ना, कोई सोचना नहीं, प्रश्न करते ही एकदम एग्जैक्ट उत्तर आती है। इसलिए महाराज जब विदेश में इसी देश में रहते थे, सबरे महाराज जाते थे भ्रमण करने के लिए, जब आकर बैठते थे सब लोग गुरु जी को प्रश्न करते थे, आप सुन लेना गुरुदेव का प्रश्न उत्तर है,
कोई कोई भी प्रश्न करे, प्रश्न करते ही झट उसकी उत्तर दे। तब महाराज बोलते थे, भैया मेरे को इतने उत्तर कैसे, इतना जल्दी कैसे देता हूँ। बोले ये जैव धर्म ग्रंथ की धारणा, क्योंकि इसको गुरुदेव ने 60 बार पढ़ करके फिर बंगला से उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है। इतने बढ़िया ग्रंथ है, इसको अगर सही सही पढ़ लेना बस आप सिद्धांत भक्ति जगत में जो सिद्धांत में एकदम आज परिपक्व हो जाओगे, कोई भी शंका जीवन में कभी हृदय में कोई शंका तुम्हारी नहीं रह जाएगी, इतने बढ़िया ग्रंथ है। ठीक है, इसलिए इनका प्रश्न है, बोले प्रभु बहुत दिनों से धर्म की प्रतिष्ठा सुनकर धर्म क्या है ये प्रश्न अनेक लोग से अनेक बार मैंने कर चुका हूँ, परंतु दुख का विषय यह है कि इसी प्रश्न के उत्तर में उन लोगों ने जो जो बात बतलाया वह सब परस्पर विरोध दिखाई पड़ा। अब जगत में देख रहे नासो मुनि जैसे मतम न भर, ऐसे व्यक्ति का कोई मत नहीं जिस ऐसे व्यक्ति का कोई मत नहीं जो कि अलग 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 मत है। सबको पूछो धर्म के विषय पर, जो जो करता होगा ना उसको ही धर्म बोलेगा। हैं साधारण संसार व्यक्ति को बोलो क्या धर्म, बोले पिता माता की सेवा, अपना परिवार की बात सुन, बीवी बच्चों की सेवा कर, यही धर्म, उसको ही धर्म बताएगा। किसी कर्मी को प्रश्न करो, जैसे महात्मा गांधी ने वो भी गीता का टीका लिखे भैया कर्म प्रधान कर्म ही मैंने धीरे कर्म कर। ज्ञानी को पूछो धर्म को विषय में वो क्या बोलेगा, बस हम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, मैं ही ब्रह्म तुम वही हो, हैं वो अलग बोलेगा। इसलिए आप किसी को भी धर्म के विषय भारत में किसी को भी पूछ लो आप देखना सबके सब अलग 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 है, कोई एक बात नहीं बोलेगा, कोई भी एक बात नहीं बोलेगा। इसलिए देखो ये जो प्रश्न है कितना बढ़िया है, ये इसका क्या उत्तर देता है, अगर इसको सीख गए ना आप कोई हरा नहीं सकते, एकदम एग्जैक्टली आप उत्तर दोगे हैं। इसलिए उन्होंने कहा सब लोग मैंने पूछा लेकिन जो उत्तर मिला सबका अलग अलग सब उत्तर मिला है, ये करो वो करो वो करो वो करो, लेकिन ये अभी क्या बोलते देखो भिन्न भिन्न इसलिए बतला कि इसलिए आप कृपा करके बतलाइए क्या जीव का वास्तव रूप में धर्म क्या है। अब ये चीज को बता जब प्रश्न प्रश्न किया कहते और भिन्न भिन्न उपदेश को क्यों, भिन्न भिन्न उपदेश को धर्म कहते हैं, हैं जो अलग अलग जो उपदेश को देने वाले ये लोग क्यों सब अलग अलग धर्मों के विषय में इस तरीके क्यों बोलते हैं, हैं इसलिए कहते धर्म अगर एक, हम कहते ना एक ही भगवान, हम कहते एक ही भगवान, धर्म एक, धर्म दूसरा है ही नहीं, धर्म एक है, भगवान एक है। अगर ये एक ही धर्म और एक ही भगवान ये सब के सब फिर ये अलग अलग बात फिर बोलते हैं क्यों, इसका क्या कारण है, हैं। इसलिए धर्म अगर एक तो भी पंडित क्यों नहीं उसी एक अद्वितीय धर्म का अनुशीलन करते हैं, जो पंडित लोग कोई एक ही धर्म को क्यों फिर अनुशीलन नहीं करके ये अलग 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 बात फिर क्यों बोलते हैं। जब उन्होंने ये प्रश्न की तब उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का चरण को उन्होंने ध्यान करते हुए कहते परमहंस बाबा जी कहने लगे, बोले हे सौभाग्यवान मैं आपके ज्ञान के अनुसार धर्म का तत्व कहता हूँ, इसलिए कहते मैं अपना ज्ञान के अनुसार धर्म को मैं बताता हूँ, तुम कृपा करके सुनो। देखो भागवत में यही बात है, जब स्वर्णोगाद ऋषियों ने सुतो गोस्वामी को उन्होंने जो प्रश्न किया है आत्मा को शांति मिलेगी कैसे, आत्मा को तृप्त कैसे, उनने जो बात बताया ना यहाँ पर ठीक वही वही बात यहाँ पर आई है, वही बात सबई पुंसा पर धर्म जत भक्ति रध सजे आहाय तुखी अप्रतिहता जय आत्मा संप्रसिद्धति। तभी आत्मा को तभी पूर्ण शांति मिलेगा, सबई पुंसा बई मतलब निश्चित रूप में, पुरुष का निश्चित रूप में एक ही धर्म है जत भक्ति रध सजे हैं, कि जो अध्यक्ष जो अतीन्द्रिय हमारे ज्ञान से जो अतीत जो भगवान है, हैं जब उनको भक्ति करेगा कैसे अहेतु की और अप्रतिहता, भक्ति कैसे होनी चाहिए बिना कामना वासना की और निरंतर जमय भक्ति होनी चाहिए हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने कदे तुम बड़े सौभाग्यवान हो, अभी मैं कोशिश करता हूँ धर्मों के बारे में बताने के लिए। देखो यहाँ से
ये बात वो कल याद करके ना कल मैं पूछूंगा, वो उत्तर क्या देते हैं। मतलब देखो, जिस वस्तु का जो नित्य स्वभाव है वही उसका नित्य धर्म। जो वस्तु का जो जिस वस्तु का नित्य स्वभाव है उसका ही वही नित्य धर्म है, हैं, नित्य धर्म है। कहते वस्तु के गठन के स्वभाव का उदय होता है कृष्ण की इच्छा से। जब कोई वस्तु गठित होती है, भगवत इच्छा से जब कोई वस्तु गठित होता है, तब उसी गठन का नित्य सहचर रूप एक स्वभाव ही होता है। कोई भी चीज़ प्रकट हो देखना, स्वाभाविक रूप में उसका एक धर्म स्वाभाविक रूप में होता है। जैसे हाँ, बनने का साथ साथ कहते वही स्वभाव उसी वस्तु का नित्य धर्म, उसका ही वो नित्य धर्म। तत्पश्चात किसी घटना वशतः अथवा अन्य वस्तु के संसर्ग से जब वो वस्तु में कोई विकार होता है, तब उसको स्वभाव विकृत व परिवर्तन हो जाता है। सृष्टि से ही तो एक स्वभावी रूप में धर्म प्रकट होता है, लेकिन अगर किसी वस्तु की संग से, संसर्ग मतलब संग से, जब उसके अंदर में कोई विकार आ जाती है, उसको क्या होता है, उसका जो स्वभाव ये भी विकृत हो जाता है। जैसे कोई अच्छा कोई बच्चा कुछ नहीं जानता, लेकिन एक चोर के साथ में बैठ जाए, देखना चोर का संग करते करते उसके चोर सुनते 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 वो चोर बन जाता है। जो शराब पीता है, देखना उसका संसर्ग में आ जाओ, शराब भी बन जाओगे। जो जुआरी संसर्ग में आओ, जुआरी बन जाओगे। जो गंजा फूंकते हैं उनकी संसर्ग में गाओ, गंजा धीरे धीरे फूंकना। जिसकी संसर्ग में आओगे धीरे धीरे, देखना उसका रंग धीरे धीरे तुम्हारे अंदर में धीरे धीरे रंग धीरे धीरे चढ़ने लग जाएगा। इसलिए परिवर्तित स्वभाव कुछ तीनों में दृढ़ होने पर वो नित्य स्वभाव की तरह उसी वस्तु के साथ हैं हो पड़ता है। क्या होता है, जब उसका स्वभाव परिवर्तन हो जाता है, परिवर्तन होकर क्या होता है, कुछ दिन उसको साथ में रहते 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 जब वो स्वभाव परिवर्तन हो गया, वही स्वभाव को अनुरूप जब धीरे 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 क्या करता है, वो स्वभाव रहता है धीरे धीरे, उसका भी धीरे धीरे उसी स्वभाव में परिवर्तन हो करके बस वही उसका धर्म हो जाता है। जैसे कि चोर है, एक किस चोर को साथ में रहते 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 उसको देखना कण 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 में चोर चोर और कुछ दिखता ही नहीं, चोरी के सिवाय उसको देखता नहीं। बाद में फिर उसका हम क्या करते, ये चोर, लेकिन वो पहले थोड़ी चोर था, पहले तो अच्छा था ना, लेकिन अब इसको क्या कहते हैं, इसको दुनिया क्या कहते हैं, अरे ये चोर है। इसलिए यहाँ पर देखो बढ़िया उदाहरण देख कर समझाएंगे, कहते यह परिवर्तित स्वभाव स्वभाव नहीं, लेकिन इसका जो स्वभाव परिवर्तन हो गया, लेकिन वास्तव रूप में उसका स्वभाव नहीं है। इसका नाम कहते निसर्ग। क्या नाम है, कल हम प्रश्न करेंगे निसर्ग किसको कहते हैं, निसर्ग है इसको कहते हैं निसर्ग। इसका हमने डेफिनेशन दिया, इसका नाम निसर्ग, जो परिवर्तित जो स्वभाव है उसको निसर्ग कहते हैं। निसर्ग स्वभाव के साथ में बैठे अपने को स्वभाव कहकर अपना परिचय देता है, लेकिन जो स्वभाव निसर्ग ये क्या करता है, क्या ये स्वभाव के स्थान में बैठे और अपना को स्वभाव कहकर अपना परिचय जैसे चोर अपना को क्या चोर ही बोलने लग जाता है, हैं निसर्ग होता है। जैसे देखो यहाँ पर एक सुंदर उदाहरण देकर बताइए, इस चीज़ को कल तुम लोगों ने कोशिश करना इतना याद करने के लिए। कल जैसे एक वस्तु है, कैसे वस्तु क्या बोले, जल, उदाहरण दिया वो जल। जैसे जल का स्वभाव किया, अगर यहाँ जल यहाँ डाल दो ना, स्वभाविक रूप में जिसका तरल स्वभाव, वो धीरे 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 तरल धीरे धीरे नीचे जाती है स्वभाव बन करके। लेकिन जब किसी घटना वशतः जब ये जल जम करके बर्फ हो जाता है, हैं बर्फ हो जाता है, तो उसका धर्म क्या हो जाता है, बर्फ ठोस ठोस एकदम बर्फ बन जाता है। उसको पूछो तुम कौन हो, तो नहीं बोलेगा पानी, क्या बोलेगा मैं बर्फ, हैं वो बर्फ बोलता है। इसलिए स्वभाव की तरह काम करता है, फिर बर्फ अपना बर्फ बन करके बर्फ का काम करता है। हम कहते हैं बर्फ, कोई बोलता है पानी ले आओ, बर्फ ले आओ, हैं बर्फ क्या करता है, ठंडा देता है। इसलिए स्वभाव के रूप में वो तर कार्य करता है। वास्तव में जो निसर्ग का बदला हुआ स्वभाव
नित्य नहीं नैमित गए, उसका जो स्वभाव बदल करके जो निसर्ग हो गया, वो जो हो गया उसको क्या कहते हैं, वो नित्य नहीं नैमित। दो शब्द याद करना, एक निसर्ग और एक नैमित। नैमित किसी निमित्त को बन निमित्त का आश्रय करते हुए जो धर्म आ गया है, इसलिए उसको कहते हैं नैमित। कारण वो किसी निमित्त, निमित्त मतलब किसी कारण से उदित होता है, और निमित्त दूर होने पर फिर वो स्वयं दूर हो जाता है। जैसे बर्फ है, हैं, बर्फ तो हो गया, लेकिन अगर फिर धीरे धीरे उसको गर्मी में रहते तो फिर क्या होता है, धीरे 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 पिघल करके पानी हो जाता है। फिर उसको पूछो क्या बोले, हमने पानी, इसको बोलेगा पानी। जैसे हम लोग कौन है, जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अमल चेतन सहज सुखराशि है, लेकिन सो माया बस भय गोसाई बंधी मरकट कीट नाई। गोस्वामी जी उदाहरण देते हैं, लेकिन सो माया बस भय गोसाई, जीव तो भगवान की सेवक है, नित्य है भगवान जैसे, लेकिन अभी धीरे धीरे क्या हुआ, अपने आप को माया में वशीभूत हो गए कि अभी हम माया में बिलबिला रहे हैं, बिलबिला रहे माया में, बंधी मरकट कीट न्याय। कैसे बंध जाते हैं, मरकट मतलब बंदर, कीट मतलब होता है तोता, हैं, जीव क्या होता है, बस माया के अधीन बन करके, फिर माया की दासत्व करके, फिर संसार में दुख कष्ट को भोग करता है, इसलिए दूर हो जाते हैं। किंतु स्वभाव नित्य है, लेकिन जीव का जो स्वभाव नित्य है, इसलिए देखना स्वभाव का, हमारा जो जीव का स्वभाव नित्य, हमारा देखना हर समय किसको प्रेम करना चाहते हैं, स्वभाव हमारा प्रेम करना है, सब दुनिया प्रेम चाहते हैं। एक व्यक्ति सुसाइड कब करता है, जब पत्नी भी नहीं पूछे, बच्चे भी नहीं पूछे, परिवार भी नहीं पूछे, कोई आदर नहीं करे, एकदम सब नफरत करते, लास्ट में जाकर सुसाइड करते। लेकिन अगर थोड़ी सी कोई मीठी बोली बोल करके, प्यार दे करके उसको समझा दे, खुश हो जाता है, वो खुश हो जाते हैं, व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है, हैं। लास्ट में देखना, अगर उसको कोई प्रेम करने के लिए नहीं मिलेगा ना, ये कुत्ते बिल्ली को क्यों रखता है, ये कुत्ते बिल्ली क्यों रखते हैं, उसको स्वभाव में प्रेम करना है। अगर किसको प्रेम, जब कुत्ते बिल्लियों को प्रेम करना शुरू कर देता है, और तो कोई मिलता नहीं, कहीं तो प्रेम करेगा ना, कुत्ते बिल्लियों में प्रेम करता है, कि स्वभाव में नित्य है धर्म, प्रेम धर्म है, ये प्रेम चाहते हैं हर व्यक्ति जगत में, प्रेम के सब भूखे हैं, ठाकुर भी प्रेम के भूखे हैं, हैं। इसलिए यहाँ पर कहते हैं अपना है। तो काल और घटनाक्रम से स्वभाव अवश्य ही अपना परिचय दे सकता है, लेकिन काल हैं कहते अगर किसी घटनाक्रम से ये क्या करेगा, अपना स्वभाव को एक दिन परिचय दे सकता है। जैसे हम लोग पहले माया के संसार में रहते थे, लेकिन जब हमें गुरु वैष्णव की हमें संग मिल गया, गुरु वैष्णव का संग मिला, फिर क्या कर रहे, गले में कंठी धारण किया, तिलक लगाए, हरि नाम करते हो, इसी समय में घर में सब सोते हुए होंगे ना कोई कोई, लेकिन आप लोग क्या करते हो, आप ठाकुर जी का मंगलारती में आ रहे हो, हैं, बैठे हो, ठाकुर जी की कथा सुनते हो, हरि नाम करते हो, हैं, हरि नाम करते हो, लेकिन कैसे वैष्णव का संग हो गया, हमें वैष्णव का संग मिला, तो हम क्या कर रहे, अभी हम भगवान के नाम कीर्तन करना शुरू कर दिया। इसलिए अवश्य ही एक दिन आपको परिचय दे सकता है ये जीव, वस्तु का स्वभाव, वस्तु का नित्य धर्म, तो इसको याद रखना क्या है, कहते वस्तु का स्वभाव ही वस्तु का नित्य धर्म, इसलिए वस्तु का निसर्ग ही वस्तु का नैमित धर्म। कहते वस्तु का निसर्ग मतलब जो बदल गया स्वभाव है, वो क्या, उसको क्या कहते हैं, नैमित कहते, किसी कारण से ही अभी जीव बद्ध होकर के अपने आप को परिचय देता है। जिस वस्तु कहते जिन्हें वस्तु का ज्ञान है, वो नित्य और नैमित्तिक धर्म को प्रभेद को जान सकता है। कहते जिसको वस्तु ज्ञान है, हैं, वस्तु का ज्ञान है, वही व्यक्ति ही नित्य और नैमित्तिक धर्म को प्रभेद को, नित्य धर्म क्या और नैमित्तिक धर्म उसका प्रभेद को कोई समझ सकता है। और जिन्हें वस्तु का ज्ञान नहीं है, वो निसर्ग को ही स्वभाव समझते हैं और नैमित्तिक धर्म को ही नित्य धर्म समझते हैं। इसलिए जिसका वस्तु ज्ञान नहीं, वो क्या करता है, जो बदला हुआ स्वभाव को ही उसको ही समझता है, यही मेरा धर्म है,
नैमित्तिक किसी निमित्त को करके जो धर्म हुआ उसको है नित्य धर्म समझ बैठते हैं, जो उसको है उसको ही नित्य धर्म समझता है। इसलिए फिर संन्यास ठाकुर प्रश्न करते वस्तु किसे कहते हैं तथा स्वभाव शब्द का अर्थ क्या है। देखो जो प्रश्न हम कभी नहीं कर सकते हैं, जो हृदय में हमारी प्रश्न कभी उदय नहीं होगा, यहाँ पर ये क्या करते हैं वो स्वयं उसका प्रश्न कर देते हैं, प्रश्न करके वो उत्तर भी उसका उत्तर भी दे देते हैं। इसलिए प्रश्न क्या है कहते हैं जिस वस्तु का जो स्वभाव है उसका नित्य धर्म है। अभी उन्होंने फिर प्रश्न किया भैया वस्तु कहते हैं इसको, ये वस्तु का मतलब क्या होता है। फिर उन्होंने बताया तथा कहते स्वभाव कहते उसका नित्य स्वभाव। फिर प्रश्न करते हैं भैया इस स्वभाव का मतलब क्या होता है, स्वभाव कहते हैं किसको और वस्तु कहते हैं किसको। उन्होंने फिर उन्होंने प्रश्न कर दिया। जब उन्होंने प्रश्न कर दिया फिर उन्होंने परमहंस बाबा जी महाराज फिर उत्तर दे रहे हैं। फिर क्या उत्तर देते हैं फिर इसको हम कल सुनेंगे। वस्तु क्या है और स्वभाव क्या है। देखो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी अच्छी बात है। इसलिए आप लोग इसका सब प्रश्न उत्तर बना देना और हम कोशिश करेंगे मंगाने के लिए, और उसका प्रश्न उत्तर तो आप लोग लिखा देंगे, ठीक है। उसको पेपर को दे देंगे, आप उस पेपर को लेकर के प्रश्न और उत्तर, प्रश्न और उत्तर उसको अच्छे तरह से देख लीजिएगा। बच्चा संसार दग्ध जीव कुल उधार कारणी करुणा वारी कृपा वारी दानी बंदी से गुरु चरण कमल नृत गीत बाज श्रीहरि कीर्तने रहे न मगन महामत मने रोमांचक पासो हई गौर प्रेम बंदी से गुरु चरण कमल सदा विग्रह सेवन सिंगराजिया मंदिर मजने करे अनुगत जने बंदी से गुरु चरण कमल सर्वचुषलेह प्यार समय प्रसादन कृष्णे अति स्वरोहे भक्त स्वागने निज तृप्त रहे बंदी से गुरु चरण कमल श्री राधा माधव नाम रूप अनंत माधुर्य लीला स्वादनी लुब्ध चितजिनी हन प्रतीक्षणी बंदी से गुरु चरण कमल प्रज जो द्वंद रति संवर्धनी युक्ति कर सकी सन वृंदावनी अति लक्षता है प्रिय सेवा पाई थी बस।
Bye.
आगे भाग लो। Yeah.
Bye.
राधा भजने यदि पति नानी दे Bye.
Thank you.
जय राधे जय जय समाधान की जय समाधान की जय श्री गौर हरे हरे।